स्पर्श बता देता है नियत कैसी है, विनय बता देता है शिक्षा कैसी है, मुश्किलें बता देती हैं हौसला कैसा है, वाणी बता देती है स्वभाव कैसा है, नजरें बता देती हैं चरित्र कैसा है। नमस्कार दोस्तों, श्रीमद् भगवद गीता कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिया गया वह पाठ है जिसने अर्जुन को विचलित और संदेहपूर्ण हालत से उठाकर एक अद्वैत ज्ञानी योद्धा बनाया। गीता को अक्सर हिंदू ग्रंथ के नाम से संबोधित किया जाता है, परंतु यह खासकर आज की पीढ़ी के लिए किसी सेल्फ हेल्प बुक से कम नहीं, बल्कि सभी सेल्फ हेल्प बुक की जननी भी कह सकते हैं। गीता में श्री कृष्ण मोटिवेशन नहीं देते, वह अर्जुन को सही और गलत का ज्ञान देते हैं, जिसे जानकर अर्जुन अधर्मी लोगों के विपक्ष खड़े हो सके और उनको हरा सके। गीता के 18 अध्याय में कुल 700 श्लोक हैं, जो सभी के लिए पढ़कर समझ पाना थोड़ा मुश्किल है। आज हमारी इस वीडियो के माध्यम से हम आपके समक्ष 51 विचारों के बारे में बात करने वाले हैं, जिनसे आपको इस बात का ज्ञान होगा कि जिंदगी में क्या चीज सही है और क्या गलत है। दोस्तों, अगर आप इस वीडियो का अधिक से अधिक लाभ पाना चाहते हैं तो इस वीडियो को रात को सोने से पहले 21 दिन लगातार जरूर सुने और इसमें बताई हुई बातों को अपने जीवन में जरूर उपयोग करें। यदि आपको लगता है कि आप अपने जीवन को बदलने के लिए यह 21 दिन नहीं कर पाएंगे तो कृपया इस वीडियो को यहीं छोड़ दें, क्योंकि केवल एक बार सुन लेने से यह आपके लिए फायदेमंद नहीं होगा। दोस्तों, यदि आप इस वीडियो को अभी भी देख रहे हैं तो यकीन मानिए आप अपनी जिंदगी को बदलने के लिए पहला कदम उठा चुके हैं, जो 90% लोग नहीं कर पाते। तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। याद रखिएगा, अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक होता है। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, सच्चा धर्म यह है कि जिन बातों को इंसान अपने लिए अच्छा नहीं समझता, उन्हें दूसरों के लिए भी प्रयोग ना करे। जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह अच्छा हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। तुम भूत का पश्चाताप ना करो, भविष्य की चिंता ना करो, वर्तमान चल रहा है उसे आनंद से जियो। इतिहास कहता है कि कल सुख था, विज्ञान कहता है कि कल सुख होगा, लेकिन धर्म कहता है अगर मन सच्चा और दिल अच्छा हो तो हर रोज सुख होगा। खाली हाथ आए और खाली हाथ ही जाएंगे। जो आज तुम्हारा है कल और किसी का था, परसों किसी और का होगा। तुम इसे अपना समझकर प्रसन्न हो रहे हो, बस यही प्रसन्नता तुम्हारे दुखों का कारण है। परिवर्तन संसार का नियम है, जिसे तुम मृत्यु समझते हो वही तो जीवन है। एक क्षण में तुम करोड़ों के स्वामी बन जाते हो, दूसरे ही क्षण में तुम दरिद्र हो जाते हो। मेरा तेरा, छोटा बड़ा, अपना पराया मन से मिटा दो, फिर सब तुम्हारा है, तुम सबके हो। ना यह शरीर तुम्हारा है, ना तुम शरीर के हो। यह अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश से बना है और इसी में मिल जाएगा, परंतु आत्मा स्थिर है। तुम अपने आप को भगवान को अर्पित करो, यही सबसे उत्तम सहारा है। जो इसके सहारे को जानता है वह भय, चिंता, शोक से सर्वदा मुक्त रहता है। शरीर पर लगी चोट मनुष्य भुला सकता है, परंतु उसके सम्मान पर लगी चोट वह जीवन भर याद रखता है। किसी का अपमान करके
आप दूसरे के हृदय को चोट पहुंचाते हैं और अपना शत्रु बना लेते हैं। जो कुछ भी तू करता है उसे भगवान को अर्पण करता चल। ऐसा करने से जीवन भर सदा आनंद का अनुभव करोगे। भरोसा अगर खुद पर रखो तो ताकत बन जाती है और दूसरों पर रखो तो कमजोरी बन जाती है। आप कब सही थे इसे कोई याद नहीं रखता, लेकिन तुम कब गलत थे इसे सब लोग याद रखते हैं। मनुष्य के जीवन की अटल सच्चाई से भयभीत होना इंसान की वर्तमान खुशियों को भी खराब कर देता है। जीवन का आनंद ना तो भूतकाल में है और ना ही भविष्यकाल में, बल्कि जीवन तो बस वर्तमान को जीने में है। तुम भला क्यों रोते हो? तुमने जो खोया क्या वह तुमने पैदा किया था? आज जो तुम्हारा है वह कल किसी और का होगा, क्योंकि परिवर्तन ही संसार का नियम है। किसी का अच्छा ना कर सको तो बुरा भी मत करो, क्योंकि दुनिया कमजोर है लेकिन दुनिया बनाने वाला नहीं। यदि कोई व्यक्ति विश्वास के साथ इच्छित वस्तु को लेकर नित्य चिंतन करता है तो वह जो चाहे वह बन सकता है। जो मनुष्य फल की इच्छा का त्याग करके केवल कर्म पर ध्यान देता है वह अवश्य ही जीवन में सफल होता है। कोई भी इंसान जन्म से नहीं बल्कि अपने कर्मों से महान बनता है। जो व्यक्ति क्रोध करता है उसके मन में भ्रम पैदा होता है, जिससे उसका बौद्धिक तर्क नष्ट हो जाता है और तभी व्यक्ति का धीरे धीरे पतन होना लगता है। जब इंसान की जरूरत बदल जाती है तब इंसान के बात करने का तरीका भी बदल जाता है। जो मन को नियंत्रित नहीं करते उनके लिए वह शत्रु के समान कार्य करता है। कोई भी अपने कर्म से भाग नहीं सकता, कर्म का फल तो भुगतना ही पड़ता है। वह व्यक्ति जो सभी इच्छाएं त्याग देता है और मैं और मेरा की लालसा और भावना से मुक्त हो जाता है, उसे अपार शांति की प्राप्ति होती है। किसी भी व्यक्ति को ना तो समय से पहले और ना ही भाग्य से अधिक कुछ मिलता है, लेकिन उसे सदैव पाने के लिए प्रयत्नशील रहना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, हालांकि मैं भूत भविष्य और वर्तमान काल के तीनों जीवों को जानता हूँ, लेकिन मुझे वास्तव में कोई नहीं जानता। सदैव संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए प्रसन्नता ना इस लोक में है और ना ही परलोक में। हर वृक्ष कुल्हाड़ी के एक बार से नहीं कटता, हर चट्टान एक प्रहार से नहीं टूटती। निरंतर प्रयास करते रहने से ही सफलता प्राप्त होती है। जिंदगी में कभी भी अपने किसी हुनर पर घमंड मत करना, क्योंकि पत्थर जब पानी में गिरता है तो अपने ही वजन से डूब जाता है। अच्छे लोगों की कृष्ण परीक्षा बहुत लेता है परंतु साथ नहीं छोड़ता, और बुरे लोगों को कृष्ण बहुत कुछ देता है परंतु साथ नहीं देता। अब आपको साथ चाहिए या नहीं यह आप पर निर्भर है। अगर भगवान तुमसे ज्यादा इंतजार करवा रहे हैं तो तैयार रहना, वो उससे कहीं ज्यादा देने वाले हैं, जितना तुमने मांगा भी नहीं है। कर्म का फल व्यक्ति को उसी तरह ढूंढ लेता है जैसे कोई बछड़ा सैकड़ों गाय के बीच अपनी माँ को ढूंढ लेता है। मन अवश्य ही चंचल होता है, लेकिन उसे अभ्यास और वैराग्य के माध्यम से वश में लाया जा सकता है। जीवन में कभी गुस्सा या क्रोध ना करें, यह आपके जीवन को नाश कर देगा। वासना क्रोध और लालच नरक के तीन दरवाजे हैं। सत्य को स्वीकारने से ही मनुष्य को आगे बढ़कर असत्य का सामने करने की हिम्मत मिलती है। जिस प्रकार मदिरा का सेवन छोड़ने के लिए आपको यह स्वीकारना होगा कि आप उसके बंदी बन रहे हैं। सभी काम छोड़कर बस भगवान में पूर्ण रूप से समर्पित हो जाओ। विश्वास करना, भगवान आपको सभी पापों से मुक्त कर देंगे। संसार का सबसे बड़ा पाप है किसी निर्बल को सताना।
और संसार का सबसे बड़ा दंड है। उस निर्बल के मुख से निकली हाय। कोई व्यक्ति कितना भी खास क्यों न हो, उसे एक पल में त्यागने की क्षमता आप में अवश्य होनी चाहिए। जैसे अंधेरे में प्रकाश की ज्योति जगमगाती है, ठीक उसी प्रकार से सत्य की चमक भी कभी फीकी नहीं पड़ती। इसलिए व्यक्ति को सदैव सत्य बोलना चाहिए। जिंदगी में दो लोगों का होना बहुत जरूरी है, एक कृष्ण जो ना लड़े फिर भी जीत पक्की कर दे, दूसरा कर्ण जो हार सामने हो फिर भी साथ ना छोड़े। परिवर्तन ही इस संपूर्ण संसार का नियम है, इसलिए व्यक्ति को कभी अपने वर्तमान पर घमंड नहीं करना चाहिए। मनुष्य का संपूर्ण शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है, अग्नि, जल, वायु, आकाश और पृथ्वी, और अंत में उसके शरीर को इन्हीं 5 तत्वों में ही विलीन हो जाना है। अहंकार करने पर इंसान की प्रतिष्ठा, वंश और वैभव तीनों ही चले जाते हैं। विश्वास ना हो तो रावण, कौरव और कंस का अंत देख लो। प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति को क्रोध और लोभ त्याग देना चाहिए, क्योंकि इससे आत्मा का पतन होता है। क्रोध से भ्रम पैदा होता है और भ्रम से बुद्धि धैर्यहीन होती है। जब बुद्धि धैर्यहीन होती है तब तर्क नष्ट हो जाता है। जब तर्क नष्ट हो जाता है तब व्यक्ति का पतन हो जाता है। जिस प्रकार सोने के टूट जाने पर उसको पिघलाकर दोबारा जोड़ा जा सकता है, उसी प्रकार सज्जन मित्र सोने की तरह होते हैं, जो मतभेद होने पर भी फिर मिल ही जाते हैं। हद से ज्यादा सीधा साधा होना भी ठीक नहीं है, क्योंकि जंगल में सबसे पहले सीधे पेड़ को काटा जाता है और टेढ़े मेढ़े पेड़ को छोड़ दिया जाता है। वह व्यक्ति जो अपनी मृत्यु के समय मुझे याद करते हुए अपने शरीर का त्याग करते हैं, वह मेरे धाम को प्राप्त होते हैं, और इसमें कोई संदेह नहीं है। अच्छे कर्म करने के बावजूद भी लोग केवल आपकी बुराइयां ही याद रखेंगे, इसलिए लोग क्या कहते हैं इस पर ध्यान मत दो, तुम अपना काम करते रहो। अपने आप को भगवान के प्रति समर्पित कर दो, यही सबसे बड़ा सहारा है। जो कोई भी इस सहारे को पहचान गया है वह डर, चिंता और दुखों से आजाद रहता है। तू करता वही है जो तू चाहता है, होता वही है जो मैं चाहता हूँ। तू वही कर जो मैं चाहता हूँ, फिर होगा वही जो तू चाहता है। इंसान गलत कार्य करते समय दाएं, बाएं, आगे पीछे चारों तरफ देखता है, बस ऊपर देखना भूल जाता है। प्रकृति ने एक मक्खी और एक तितली को एक समान गुण दिया है, जो है रस पान करने का। परंतु जहां एक और तितली फूलों से रस पान करके नए फूल उगने की अवस्था भी करती है, वहीं मक्खी घाव पर बैठती है और रोग भी फैलाती है। और यह सब निर्भर करता है उन दोनों के निर्णय पर। ठीक उसी प्रकार जीवन में भी सफलता आपके लिए हुए निर्णय पर ही निर्भर करती है। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आशा करते हैं वीडियो की शुरुआत में 21 दिन इस वीडियो को देखने का संकल्प आप अवश्य पूरा करेंगे और अपनी जिंदगी में अवश्य बदलाव देखेंगे। कृपया लाइक और कमेंट करके हमें अपना सहयोग दें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। राधे राधे।